आज हमारा लहंगा कोर्स का डे वन है, जिसमें हम हाफ सर्कुलर और फुल सर्कुलर के बारे में ज़्यादा जानेंगे। इन टुडेज क्लास वी विल लर्न मोर अबाउट हाफ सर्कुलर एंड फुल सर्कुलर कॉन्सेप्ट। अभी आप देख सकते हैं, इसमें जो दो स्कर्ट है, फोटो है, ये वाला हाफ सर्कुलर है। हाफ सर्कुलर स्कर्ट में 5 to 5.5 मीटर फ्लेयर होता है एंड फुल सर्कुलर में 10 to 11 मीटर फ्लेयर होता है। तो इन दोनों की ड्राफ्टिंग में क्या डिफरेंस है, फैब्रिक कहाँ से हमारा लंबा होगा, किस तरह से हमें सॉफ्ट फैब्रिक को एडजस्ट करना है, किस तरह से हमें स्टिफ फैब्रिक को एडजस्ट करना है, वो सब हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। इन टुडेज क्लास वी विल लर्न हाउ टू एडजस्ट अवर हाफ सर्कुलर स्कर्ट लेंथ, ऑन विच पार्ट आवर स्कर्ट विल बी स्ट्रेच्ड वाइल वियरिंग एंड इन विच पार्ट वी डोंट हैव टू कट। वी विल लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट अबाउट हाफ सर्कुलर एंड फुल सर्कुलर ड्राफ्टिंग। आज की क्लास में हम हाफ सर्कुलर और फुल सर्कुलर की ड्राफ्टिंग के बारे में सब जानेंगे। तो जैसे कि हम सबसे पहले सीखेंगे, सबसे सिंपल स्कर्ट होता है हाफ सर्कुलर। हाफ सर्कुलर में भी स्टिफ फैब्रिक होता है तो आसान होता है, सॉफ्ट फैब्रिक होता है तो लेंथ अनइवन हो जाती है। इन हाफ सर्कुलर फुल इफ फैब्रिक इज स्टिफ देन यू कैन मेक ईजिली, बट इफ योर फैब्रिक इज सॉफ्ट देन योर लेंथ विल बी अनइवन। So how to adjust this length and why length will be uneven? We will learn all about this. Length क्यों कम ज़्यादा हो जाती है, कहाँ से हमारी कम ज़्यादा हो जाएगी, वो सब हम आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो पहला स्कर्ट हमारा रहेगा हाफ सर्कुलर, हम स्टिचिंग पे जाएंगे तब। उसके बाद रहेगा फुल सर्कुलर, जिसमें 10 to 11 मीटर फ्लेयर रहेगा। फिर इससे भी डबल सर्कुलर भी होता है। ये हाफ सर्कुलर है, ये फुल सर्कुलर है, उससे भी डबल सर्कुलर आता है, फोर सर्कुलर भी आता है, यानी फोर सर्कल्स काट के सारे को एक साथ ज्वाइन करते हैं। उसमें 22 मीटर प्लस फ्लेयर होता है। इन फोर सर्कुलर वी विल गेट 22+ मीटर फ्लेयर। तो यहाँ पे ये कली वाला लहंगा है, कली में हम सिंपल भी बना सकते हैं। और ये जो डिज़ाइन वाला आप लोग देख रहे हो, ये हम किस तरह से बनाएंगे वो भी सीखेंगे। ये वाला देखो, जैसे कि इस कली वाले लहंगे में जॉइंट्स डाले हुए हैं वर्क वाले फैब्रिक के, ये सब किस तरह से डालना है वो भी हम सीखने वाले हैं। अब ये फुल, ये जो है फिश कट स्कर्ट, फिश कट भी हम सीखने वाले हैं। फिश कट में देखो, जो हम हाफ और फुल सीखेंगे, यहाँ तक फिश कट करके नीचे हम हाफ सर्कल या फुल सर्कल भी ऐड कर सकते हैं या प्लीटेड भी ऐड कर सकते हैं। यानी हम सीखेंगे हाफ सर्कुलर, फुल सर्कुलर, प्लीटेड लहंगा, तीनों। तो फिश कट में आप तीनों चीज़ें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वी विल लर्न हाफ सर्कुलर, फुल सर्कुलर और एंड प्लीटेड, देन वी विल गो ऑन फिश कट। सो इन फिश कट यू कैन ऐड हाफ, फुल और प्लीटेड। ये भी फुल सर्कुलर है जो फोटो। तो टोटल हम 6 से 7 टाइप के लहंगे सीखेंगे, काउल लहंगा भी सीखने वाले। अब देखो, फुल सर्कुलर के अंदर ये सॉफ्ट फैब्रिक है और ये स्टिफ फैब्रिक है। ये वाला जो फैब्रिक है वो एकदम जॉर्जेट जैसा लग रहा है। कैसे पता चल रहा है हमें, यहाँ से साइड से हम देखेंगे हमें पता चलेगा कि ये जॉर्जेट है। तो ये जॉर्जेट में देखो फ्लेयर ऐसा आ रहा है फुल, और ये जो स्टिफ फैब्रिक है उसमें ऐसा आ रहा है। ये वाला नेट का है, हमें दुपट्टे से पता चल रहा है, प्लस हम साइड में भी देख लेंगे तो हमें नेट का पता चल जाएगा कि ये नेट है। नेट में पूरे में लाइनिंग डाल के ये वाला स्कर्ट बनाया हुआ। ये सारी चीज़ें हम बारी बारी सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ड्राफ्टिंग से। तो चलो अब ड्राफ्टिंग पे चलेंगे हम। सो आप सबको क्लियर कि हम किस तरह से ये लहंगा सीखने वाले हैं। अब प्लस हम जो ये 6 से 7 लहंगा सीखने वाले हैं, वो आप टेक्निक यूज़ करके और कोई भी लहंगे बना सकते हैं। यानी हमने जो इसमें कवर किया है वो है बेसिक, मतलब बेसिक टू एडवांस, सारा बेस इसके अंदर है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सको, इस टेक्निक्स को। इस टेक्निक को यूज़ करके आप कोई भी डिज़ाइनर लहंगा भी बना सकते हो, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए ये सारे जो बेसिक टू एडवांस लहंगे हैं वो सब इसके अंदर कवर किए हुए हैं। देखो ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल में कटिंग होने के बाद आपको इस तरह से मिलेगा, यानी कटिंग आपकी इस तरह से दिखेगी। ये फोल्ड साइड होगा और ये ओपन साइड। कभी भी हाफ सर्कल एक साइड से ओपन रहेगा, दोनों साइड से ओपन नहीं रहेगा। और ये डबल है, डबल कटिंग होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा, वन साइड फोल्ड एंड वन साइड ओपन।
हाफ सर्कल विल लुक लाइक दिस एंड इट्स डबल लेंथ. फुल सर्कल दो पीस आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है. विल गेट टू पीसेस फ्रंट एंड बैक एंड बोथ ओपन, दोनों भी हमें ओपन मिलेगा, ठीक है. हाफ सर्कल में एक साइड फोल्डिंग मिलेगा और फुल सर्कल में दोनों साइड ओपन मिलेगा. तो हमें एक साइड ज्वाइन करना होगा, एक साइड ओपन करना होगा. फुल और हाफ में इतना डिफरेंस है. अब इससे भी डबल फ्लेयर करना हो तो ऐसे चार पीस भी आप काट सकते हो, छह पीस भी काट सकते हो. इफ़ यू वांट मोर फ्लेयर देन यू कैन कट दिस टाइप ऑफ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल 4 to 5, 6, 7, 8, हाउ मच यू वांट पीसेस. जितने भी आपको सर्कल चाहिए आप काट सकते हो. ये फुल सर्कल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट होगा तो ये फुल सर्कल हो जाएगा. ये वाला पार्ट यहाँ जॉइंट होगा तो ये फुल सर्कल हो जाएगा. ये हमारा वेस्ट के मेजरमेंट का होगा. जैसे कि वेस्ट 32 है सो 16 और 16 इंच होगा. इफ माई वेस्ट इज 32 देन 16 इन वन एंड 16 इन बैक. अभी हम ड्राफ्टिंग देखेंगे इसी पेपर के अंदर. हाफ सर्कल में आपको फैब्रिक चाहिए रहेगा 3.5 मीटर. हाफ सर्कुलर के लिए हम 3.5 मीटर लंबा फैब्रिक लेंगे, उसको हम डबल करेंगे, ओके. यहाँ से हम मार्क करेंगे वेस्ट डिवाइड बाय 3.14. हाफ सर्कल का फॉर्मूला है वेस्ट डिवाइड बाय 3.14. हाफ सर्कुलर फार्मूला इज वेस्ट डिवाइड बाय 3.14. और जितना भी इंचेस आएगा हम यहाँ से मार्क करेंगे. जैसे मेरी वेस्ट 32 है सो 32 डिवाइड बाय 3.14 हाउ मच 9.5 इंचेस. सो 9.5 इंच को हम यहाँ से इस तरह मार्क करेंगे 9.5 9.5 9.5, इस तरह से, ठीक है. तो हमें मिल जाएगा सर्कल वेस्ट डिवाइड बाय 3.14 वेस्ट डिवाइड बाय 3.14. उसके बाद हमें यहाँ से लेंथ मार्क करनी है स्कर्ट लेंथ. यानी पहले हमें ए से बी, ए टू बी वेस्ट डिवाइड बाय 3.14 मार्क करना है, फिर बी टू सी हमें मार्क करना है स्कर्ट लेंथ. तो यहां से हमें स्कर्ट लेंथ मार्क करनी है. सारे साइज में 3.14 लोगे, 3.14 लेने के बाद आपको ये मेजर करना है, ये वाला राउंड, ये बिल्कुल आपके वेस्ट का हाफ आएगा क्योंकि ये डबल फोल्ड है. थोड़ा सा जूम आउट करें. फिर यहां से भी लेंथ ले लेनी है. लेंथ यहां से बी टू सी लेने के बाद ए पॉइंट पे इंच टेप रखेंगे और इस तरह से हम ए पॉइंट से ही मार्किंग करेंगे. कभी भी हमें लेंथ की मार्किंग ऐसे नहीं करनी, नहीं तो अच्छा मार्किंग नहीं होगा. वी डोंट हैव टू मार्क लाइक दिस लेंथ. लेंथ की मार्किंग पहले यहाँ से होगी, बट फिर फ्लेयर मार्क करने के लिए यहाँ मेजर टेप रखनी होगी और राउंड घुमानी होगी और एक तरफ हमेशा जॉइंट आएगा. यहाँ पे आपका हमेशा जॉइंट आएगा. वी विल गेट Join always in 42 inches. थोड़ा और zoom out करो, थोड़ा सा आजू बाजू का दिखाओ. फोर्टी टू इंच के फैब्रिक के विड्थ में हमेशा जो है यहाँ ज्वाइंट रहेगा. फोर्टी टू इंच वाले में हमेशा यहाँ पे ट्रायंगल ज्वाइंट आएगा. अगर आपकी फैब्रिक की विड्थ 60 प्लस है तो फिर आपके जॉइंट नहीं आएगा, ठीक है. हैवी से हैवी लहंगा ले लो, 50,000 वाला हाफ सर्कुलर वाला, तो भी यहाँ जॉइंट आएगा. कई बार कस्टमर ऐसा बोलता है हमें यहाँ जॉइंट नहीं चाहिए, इस तरह का लहंगा बनाओ और हाफ सर्कुलर ही होना चाहिए. तो उनको बोलना कि पॉसिबल नहीं है, आप हाईफाई जगह शोरूम में जाके देख लीजिए हाफ सर्कुलर, उनके भी यहाँ जॉइंट आएगा. तो हाफ सर्कुलर में हमेशा यहाँ पे ट्रायंगल में जॉइंट आएगा क्योंकि लेंथ में विड्थ इनफ नहीं होती. तो ये हाफ सर्कुलर का कॉन्सेप्ट क्लियर. अब देखो फैब्रिक जो हमारा स्ट्रेट रहेगा उस हिसाब से मैं ये लाइन बना रही हूँ.
आपको एक्सप्लेन करने के लिए. आई एम मेकिंग लाइन फॉर एक्सप्लेनिंग. तो मैं ये लाइन एक्सप्लेन करने के लिए आपको बना रही हूँ. तो अब देखो, जब हम कट करेंगे तो ये पार्ट हमारा स्ट्रेट रहेगा और प्लस ये पार्ट भी हमारा स्ट्रेट रहेगा. क्रॉस कौन सा रहेगा? बायर्स में ये. तो जो पार्ट क्रॉस रहता है वो पार्ट स्ट्रेच हो जाता है. तो ये जो ये वाला पार्ट है, यहाँ से हमेशा हमारी लेंथ जो है बढ़ जाएगी. तो अगर आप नॉर्मल स्टिफ फैब्रिक में बना रहे हो तो आप नॉर्मली यहाँ से 1 इंच ब्लेंड करके अंदर कट कर सकते हो, ताकि आपको बाद में काटना ना पड़े. अगर स्टिफ फैब्रिक है, टाफिटा सिल्क या एकदम कड़क वाला फैब्रिक, तो आपको काटना नहीं पड़ेगा. अगर आप 1 इंच यहाँ से ऐसे कर दो तो अनइवन लेंथ नहीं होगी. इफ़ यू आर मेकिंग इन स्टिफ फैब्रिक हाफ सर्कुलर, देन इन सेंटर यू कैन कट 1 इंचेस इन साइड, सो योर लेंथ विल नॉट बी अनइवन. बट अगर आपका सॉफ्ट कपड़ा है तो बाद में ही काटना पड़ेगा. इफ़ योर फैब्रिक इज सॉफ्ट देन यू हैव टू कट इन द एंड. तब मैं इसको कट करके बताती हूँ. देखो, अगर आपके पास स्पेस कम है, अगर जगह कम है, कम जगह में आपको बनाना है, तो फिर आप इस तरह से 4-5 फोल्डिंग करके भी सेम मार्किंग कर सकते हो. ठीक है, सेम मेथड रहेगा. इस तरह इतनी फोल्डिंग भी कर सकते हो. इफ़ यू डोंट हैव अ स्पेस फॉर दिस मच कटिंग, देन यू कैन फोल्ड योर फैब्रिक लाइक दिस एंड यू कैन मार्क वेस्ट डिवाइड बाई 3.14 एंड लेंथ. अगर आपके पास जगह कम है हाफ सर्कुलर स्कर्ट काटने के लिए, तो आप इस तरह से 4-5 फोल्डिंग करके भी सेम मार्किंग करके काट सकते हो. क्योंकि देखो, जैसे कि मैं अभी यहाँ से इतनी सारी फोल्डिंग करके काट रही हूँ, तो भी मुझे सेम ही मिलने वाला है. उल्टे की लेंथ जो है इवन रहेगी. सेम मार्किंग पर से मैं काट रही हूँ. देखो, सेम मिला मुझे. तो आप कितनी भी फोल्डिंग करके काट सकते हो. ये डबल फोल्ड था, फिर ये जो कपड़ा बचता है इस तरफ का, ये इस तरफ का कपड़ा जो बचा वो हम यहाँ जॉइंट डाल सकते हैं. ठीक है, तो अभी देखो मेरी यहाँ आड़ी लाइन हो गई और यहाँ खड़ी लाइन. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस तरह जॉइंट डालोगे तो अच्छा नहीं लगेगा. आड़े लाइन में आड़ा ही जॉइंट अच्छा लगेगा. जॉइंट डालने के बाद आपको स्टिचिंग करने के बाद एक बार इस तरह से चेक कर लेना है. लेंथ हाफ सर्कुलर का कॉन्सेप्ट क्लियर? ये पार्ट नहीं बढ़ेगा, ये पार्ट भी नहीं बढ़ेगा. यहाँ से स्ट्रेच होगा क्योंकि ये बायर्स नहीं. ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये बायर्स है. तो यहाँ से जो है फैब्रिक बढ़ेगा हमेशा हाफ सर्कुलर में. और ये डबल है, फ्रंट और बैक है. ठीक है, तो हमेशा जो है हाफ सर्कुलर में यहाँ से हमारी लेंथ बढ़ेगी. वो कैसे सेट करना है वो हम फैब्रिक पे सीखेंगे. स्टिफ फैब्रिक का मैंने इसी में बता दिया. फॉर स्टिफ फैब्रिक आई हैड एक्सप्लेन्ड इन दिस एंड इन सॉफ्ट फैब्रिक वी विल लर्न इन विथ लहंगा फैब्रिक. हम लहंगे की फैब्रिक के साथ ही सीखेंगे. तो ये है हाफ सर्कुलर, ये है डबल. हमेशा फोल्ड साइड पे जॉइंट आता है, लेकिन यहाँ मैंने सैंपल में बताया इसलिए उधर जॉइंट आया. अभी हम फुल सर्कुलर देखेंगे. तो फोल्डिंग चाहे आप कितनी भी कर सको, एकदम कम जगह है तो भी हम कर सकते हैं. क्योंकि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शोरूम में टेलर को एकदम कम कम जगह ही दी जाती है, फिर भी वो लोग इतने बड़े बड़े लहंगा बना लेते हैं. तो वो लोग इसी तरह कटिंग करते हैं, वो लोग फोल्ड कर करके. चलो अभी फुल सर्कुलर देखेंगे. ये हाफ सर्कुलर एक साइड से फोल्ड रहेगा और एक साइड से ओपन रहेगा. अब फुल सर्कल, फुल सर्कल के लिए आपको डबल फैब्रिक चाहिए रहेगा, 5.5 मीटर फैब्रिक. 5.5 मीटर में साइड में जो बचा हुआ फैब्रिक रहेगा उससे ब्लाउज भी बन जाएगा. इन 5.5 मीटर यू कैन मेक ऑल्सो ब्लाउज. तो यहाँ ये 5.5 मीटर फैब्रिक है. सपोज दैट 5.5 मीटर फैब्रिक डबल फोल्ड, वन मोर फोल्डिंग
फोल्डिंग के बाद हमारा वेस्ट डिवाइड बाय 3 पॉइंट वेस्ट डिवाइड बाय 6.28 प्लस लहंगा लेंथ इतना होना चाहिए। वेस्ट डिवाइड बाय 6.28 प्लस लहंगा लेंथ। सो आपको इसमें फैब्रिक कितना चाहिए रहेगा, वेस्ट डिवाइड बाय 6.28 प्लस लहंगा लेंथ इनटू 4। यू वांट फैब्रिक वेस्ट डिवाइड बाय 6.28 प्लस लहंगा लेंथ इनटू 4 बिकॉज इट्स अ 4 लेयर 1 2 3 4, यानी 4 गुना फैब्रिक चाहिए रहेगा आपको वेस्ट डिवाइड बाय 6.28 प्लस लहंगा लेंथ इंटू 4 प्लस 20 इंचेस हाफ मीटर एमरजेंसी फैब्रिक। क्लियर? तो अभी भी इसमें सेम तरह से मार्किंग होगी, बस ये 4 फोल्डेड है 1 2 3 4, सेम मार्किंग बट यू हैव टू यूज वेस्ट डिवाइड बाय 6.28। मार्किंग ऑन वेस्ट डिवाइड बाय 6.28 ए टू बी एंड मार्क वेस्ट एक्यूरेट, एकदम परफेक्ट आपका वेस्ट मिलेगा। देखिए जो फॉर्मूला है वो रेडियस वाला है, जिसमें हमें सर्क्यूमेंस पता है और हम रेडियस निकाल रहे हैं। सर्क्यूमेंस हमारा वेस्ट है, वेस्ट 32, तो 32 से हमने रेडियस निकालने का फॉर्मूला है 32 डिवाइड बाय 6.28। अभी यहाँ से ही हम लहंगे की लेंथ मार्क करेंगे। पहले यहाँ से बी टू सी लहंगा लेंथ, देन यहाँ मेजर टेप रख के पूरे पे इंच टेप इस तरह घुमाते हुए, जैसे यहाँ 6 आ रहा है, 6 6 पे फुल सर्कुलर में जॉइंट नहीं आएगा और कभी कभी थोड़ा बहुत आ भी जाता है कोई हाइटेड रहे तो। ठीक है, इसमें कौन सा पार्ट बायर्स रहेगा, ये वाला। तो इसमें मैं एक बार ड्रॉ कर लेती हूँ लाइन्स ताकि आपको क्लियर हो किस तरह से बायर्स होगा। तो ये हमारी फैब्रिक की लेंथ है और विड्थ में मैंने स्ट्रेट लाइंस खींची, लेंथ एंड विड्थ, और बायर्स हमारा ये रहेगा। तो कटिंग करने के बाद देखते हैं कि कैसा लगेगा। कटिंग करने के बाद हमें खोलना है इसको, हाफ हाफ सर्कल के 2 सर्कल मिलेंगे जो कि टोटल मिलके फुल सर्कल बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि किस तरह कहाँ से हमारी लेंथ जो है बढ़ेगी। देखो ये स्ट्रेट पार्ट है, यहाँ लेंथ नहीं बढ़ेगी, यानी स्कर्ट के सेंटर से लेंथ नहीं बढ़ेगी, इन स्कर्ट सेंटर लेंथ विल नॉट इंक्रीज। ऑन दिस पार्ट इट्स विड्थ, यहाँ से भी लेंथ नहीं इंक्रीज होगी, लेंथ विल नॉट इंक्रीज फ्रॉम हियर। लेंथ कहाँ से बढ़ेगी, वेयर लेंथ विल एक्सटेंड फ्रॉम हियर, लेंथ हमारी यहाँ से बढ़ेगी। मतलब जैसे ही हम ये लहंगे को पहनेंगे तो हमारा लहंगा जो है लटक जाएगा इन 2 पोर्शन से, क्रॉस वाले से जहाँ मैंने एरो किया। क्लियर? तो स्टिफ फैब्रिक है तो हम ओनली 1 इंच काट देंगे और बाद में हमें ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सॉफ्ट फैब्रिक में हमें प्रॉपर कट करना हो, क्योंकि हर जगह से हमारा बढ़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमारा बढ़ेगा, स्ट्रेट और लेंथ में नहीं बढ़ेगा, लेंथ और विड्थ में। तो इस पार्ट से हमारा विड्थ बढ़ेगा। इसको भी आप कितना भी फोल्डिंग करके कट कर सकते हो, यू कैन कट दिस हाउ मच फोल्डिंग यू वांट, कितना भी फोल्ड करके आप काट सकते हो इसको भी। अगर हमारे पास कम स्पेस हो तो बहुत ज़्यादा फोल्डिंग करके काटना। तो ये था फुल सर्कल। तो आज के ये 2 ही टॉपिक थे, हाफ सर्कल और फुल सर्कल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। नेक्स्ट क्लास से हम हाफ सर्कुलर स्कर्ट की कटिंग सीखेंगे प्योर वाले फैब्रिक में। अब आप देख सकते हो डिफरेंस हाफ और फुल सर्कल, ये डबल है और ये वन साइड फोल्डेड रहेगा और ये दोनों साइड ओपन रहेगा। इसमें फ्लेयर हमें डबल मिलेगा और इसमें फ्लेयर हमें कम मिलेगा। फैब्रिक कैलकुलेशन भी अब आप आसानी से कर सकते हो। इसमें हमारा फैब्रिक लगेगा
वेस्ट हाफ सर्कुलर में हमारा फैब्रिक कितना लगेगा। फैब्रिक कैलकुलेशन का मेथड ये है, हाफ सर्कल के लिए मीन्स हाफ अम्ब्रेला के लिए फैब्रिक कैलकुलेशन रहेगा वेस्ट डिवाइड बाय 3.14 प्लस लहंगा लेंथ प्लस 20 इंचेस फॉर जॉइंट्स या फिर एमरजेंसी। हमें इतना फैब्रिक चाहिए हाफ सर्कुलर में, तो मेरा वेस्ट डिवाइड बाय 3.14 आ रहा 9.5 प्लस लहंगा लेंथ 40 प्लस 20 इंचेस। सो कितना होगा 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 9.5 70 अप्रॉक्स। और इसका हमें डबल चाहिए होगा 140 इंच में फैब्रिक कितना होता है, 40 इंच का 1 मीटर फैब्रिक होता है। सो 140 डिवाइड बाय 40 हाउ मच 3.5 मीटर। तो इस तरह से हाफ सर्कुलर का कैलकुलेशन होगा, 140 डिवाइड बाय 3.40 करोगे तो 3.5 मीटर आ जाएगा आपका। तो इसलिए हाफ सर्कुलर में 3.5 मीटर फैब्रिक चाहिए रहेगा। आप फुल सर्कुलर का फैब्रिक कैलकुलेशन करते हैं, इसी तरह आप किड्स का बनाने के लिए इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि हमारे में तो 40 इंच लेंथ रहेगी, सबके ही 3.5 मीटर ला दो, ज़्यादा मोटो के, ज़्यादा हेल्दी पर्सन के 4 मीटर ला दो तो भी हो जाएगा। बट किड्स में हमें फैब्रिक वेस्ट ना हो हैवी फैब्रिक, तो हम इस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन किड्स वी कैन डू कैलकुलेशन लाइक दिस, वेस्ट डिवाइड बाय 3.14 प्लस लहंगा लेंथ प्लस 20 इंचेस फॉर एमरजेंसी इनटू 2 3.5 मीटर। किड्स का उसके अकॉर्डिंग आएगा। फुल सर्कल का मैं बता रही हूँ फॉर्मूला फैब्रिक कैलकुलेशन का। फुल सर्कल फैब्रिक कैलकुलेशन 6.28 प्लस लहंगा लेंथ प्लस 10 इंचेस फॉर एमरजेंसी 6.28 प्लस 40 प्लस 10 कितना होगा 50 और 57 इंच। 57 इंच इंटू 4 गुना फैब्रिक हमें चाहिए। 57 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 228 इंच मीन्स 230 इंचेस अप्रॉक्स। 230 डिवाइड बाय 40 5.75 मीटर फैब्रिक, जैसा कि मैंने कहा 5.5 मीटर, बट इसमें एमरजेंसी वाले फैब्रिक की वैसे ज़रूरत नहीं रहती है, जो कि मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि हम आप लोग लर्नर हो तो 10 इंचेस ऐड करके ही फैब्रिक लाना। तो दोनों का आपको क्लियर फैब्रिक कैलकुलेशन किड्स का कैसे करना है। जैसे किड्स में मैं 22 इंच की लेंथ है उसकी और 20 इंच की वेस्ट है टू इयर्स की बेबी की, तो उसका कैसे कैलकुलेशन होगा वो हम देखते हैं। वेस्ट है 20 इंचेस और लेंथ है 22 इंचेस, सो वेस्ट डिवाइड बाय 6.28 प्लस लहंगा लेंथ 22 तो कितना होगा वेस्ट डिवाइड बाय 6.28 वेस्ट 20 इंचेस 20 डिवाइड बाय 6.28 प्लस 22 अप्रॉक्स 3.5 प्लस 22 इक्वल 22 प्लस 3.5 25 लिख लेते हैं अप्रॉक्स 26 लिख लेते हैं 26 इंटू 4 हाउ मच 104 मीन्स आई वॉन्ट फैब्रिक 104 डिवाइड बाय 40 2.6 मीटर फैब्रिक फॉर 1 ईयर बेबी फॉर फुल सर्कुलर स्कर्ट। अगर किसी को
ये सब मगजमारी लग रही है, तो ये सब स्किप करके डायरेक्ट लहंगा कटिंग देख लेनी है तो भी चलेगा। तो अपने दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत डालना ये सब कैलकुलेशन के लिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप मान लो 2.5 मीटर फैब्रिक ले आओ एक साल की बच्ची के लिए, 3-4 साल के लिए 3 मीटर ऐसे आप याद कर लो तो भी चलेगा। और अगर आप फैब्रिक कैलकुलेशन कर सकते हो तो सबसे अच्छी बात है।